हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एसी में आखिर गैस लीक क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चार ऐसी समस्या बताने वाला हूँ जो कि सबसे बड़ी समस्या है एसी के अंदर, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो। इन चारों समस्याओं की वजह से गैस लीक अक्सर हो जाती है, और मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ कि इन चारों समस्या के अलावा और कोई दूसरी समस्या नहीं है जिसके वजह से गैस लीक हो जाती है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखिए और सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला कारण बताने वाला हूँ जो कि सबसे बड़ा होता है गैस लीक होने का। जब हम एसी इंस्टॉलेशन करते हैं या एसी सर्विस करवाते हैं या एसी की कुछ रिपेयरिंग करवाते हैं, उस दौरान कई बार जो है इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइन लगी हुई होती है, और पाइपलाइन के साथ में लगे हुए होते हैं जिसे हम फ्लेयरिंग बोल्ट बोलते हैं, और नॉर्मली भाषा में अगर आप चाहो तो उसे बोल्ट भी बोल सकते हो। तो एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए जो बोल्ट इस्तेमाल होते हैं फ्लेयरिंग बोल्ट, वो अगर गलती से कहीं से लूज हो जाए या कहीं पे कोई चूक हो जाए लगाने में, तो वहां से अक्सर गैस लीक हो जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि फ्लेयरिंग बोर्ड लगाने के बाद में अगर लीक चेक कर रहे हैं तो आपको कई बार वहां पे लीक नहीं मिलती है, आप आराम से उसको वैक्यूम करके गैस छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद में अगर फ्लेयरिंग बोर्ड में जरा सी भी लीकेज पैदा हो जाए या लूज हो जाए किसी कारण से, तो वहां से गैस लीक हो जाती है। तो इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आपका फ्लेयरिंग बोर्ड इंडोर में या आउटडोर में जहां पे लगा हुआ है, वहां पे अगर आपको लगता है ऑयल लग रहा है, वहां पे चिकनावट लग रही है, तो सीधी सी बात है कि वहां से गैस लीक हो गई है, क्योंकि वहां से ऑयल बाहर आ रहा है। जहां से भी गैस लीक होती है वहां से अक्सर ऑयल बाहर आ जाता है, तो उसी से पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है गैस लीक है, फ्लेयरिंग बोल्ट के वजह से ही गैस लीक है, क्योंकि वहीं पे आपको ऑयल दिखेगा। अब देखिए, कई कई केस में ऐसा नहीं भी होता है, अगर नया एसी लगाया है और कुछ महीनों के बाद में अगर गैस लीक हो जाती है तो उस केस में कई बार आपको वहाँ पे ऑयल नजर नहीं आएगा, गैस निकल गई होगी, तो उस कंडीशन में भी गैस लीक हो जाती है। तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जो इंडोर में पाइपलाइन को जोड़ा है वहाँ पे फ्लेयरिंग बोल्ट से लीक है, या आउटडोर में पाइपलाइन को जोड़ा है वहाँ पे फ्लेयरिंग बोल्ट के पास में लीक हुई है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर आप टेक्नीशियन है तो उसमें गैस का प्रेशर डाल के साबुन का झाग करके एक स्पंज पे लगाइए, और स्पंज के जरिए वहाँ पे पता लगाइए कि वहाँ से लीक है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब पाइप के ऊपर फ्लेयरिंग करते हैं, पाइप के मुंह को फैलाते हैं, तो कई बार हल्का सा कट वहाँ पे रह जाता है, और हम टेफ्लॉन टेप लगा के उसे कैसे ना कैसे करके लगा देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो दिक्कत देने लगता है। तो इसके बारे में तो मैं कई टेक्नीशियनों की लापरवाही कहूँगा, क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में ये लापरवाही कर जाते हैं। अब देखिए, ये चीज़ मैं हर किसी को तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ टेक्नीशियन होते हैं जिनको जल्दबाजी होती है काम की, या काम खत्म करने की जल्दबाजी होती है, आगे जाने की, आगे के काम करने की जल्दबाजी होती है, इस वजह से वो ऐसा कर जाते हैं। और इस चक्कर में कस्टमर का भी नुकसान होता है, और देखिए दूसरे टेक्नीशियनों का भी नुकसान होता है, क्योंकि एक टेक्नीशियन अगर किसी का नुकसान कर रहा है तो कस्टमर हर टेक्नीशियन को उसी नजर से देखता है। इसलिए मैं सभी उन दोस्तों से कहूंगा जो काम सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या करते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिए, काम बिल्कुल सफाई से करिए, ऐसा काम करिए कि दोबारा उस काम में शिकायत ना आए। यदि शिकायत आ भी जाती है तो जाके उसे ठीक करिए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जो काम किया है उसे दोबारा से जाके देखना। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि गैस लीक का पहला और सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा, कॉपर पाइप के ऊपर स्केलिंग जमना। आपने अक्सर देखा होगा कि इंडोर से आउटडोर का जो पाइप जाता है, आउटडोर के पास में आपको ये देखने को मिला होगा कि पाइप के ऊपर स्केलिंग जम गई है, हरी हरी कलर की या सफ़ेद सफ़ेद कलर की स्केलिंग जम गई है। इसके वजह से भी जो है पाइप पंक्चर हो जाता है और वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है। पंक्चर कैसे होता है, जो स्केलिंग जमी है वो कॉपर को धीरे धीरे गला देती है, पिघला देती है, इस वजह से आपके पाइप की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, घट जाती है, और गैस का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ से पंक्चर हो जाता है, जिसके वजह से गैस लीक हो जाती है। अब आप में से काफ़ी सारे दोस्त बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, ऐसा हमारे साथ में कई बार हुआ है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। पाइप तभी पंक्चर होता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है ना गैस का, इस वजह से वहाँ से गैस निकलने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये स्केलिंग वहाँ जमती है जहाँ पे समुद्री एरिया हो या जहाँ पे उमस ज़्यादा होती हो, ज़्यादा गर्मी होती हो, और गर्मी के अंदर कुछ खारापन हो, जैसे कि गर्मी, कई बार गर्मी ऐसी होती है कि जिसके अंदर खारापन होता है, चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अक्सर ये ऐसा होता है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया। तो चलिए देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण है एसी अगर वाइब्रेशन कर रहा है और उस दौरान यदि कोई पाइप में घिसरन हो रही है, घिसरन मतलब घिस रहा है पाइप, तो घिसने की वजह से कॉपर का पाइप पतला हो जाता है और वहां पे उसमें पंक्चर हो जाता है। ये भी हमने कई बार चेक किया है और ये जरूरी नहीं है कि बाहर की तरफ हो, आउटडोर यूनिट रखा हुआ है ना, उसके अंदर इंटरनली जहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ होता है वहाँ पे भी अंदर से यदि बॉडी को टच होकर के कोई पाइप अगर घिस रहा है बॉडी के साथ में या कंप्रेसर के साथ में वाइब्रेशन की वजह से, तो वो धीरे धीरे घिस के वहाँ से पंक्चर हो जाता है, वहाँ से लीक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बार बार से चेक कर लेते हैं, कोई लीकेज नहीं है और माइनर लीकेज होने की वजह से जल्दी लीक पता भी नहीं चलती, तो हम गैस का प्रेशर डालते हैं और चेक करते हैं जहाँ पे फ्लेयरिंग किया हुआ है, जहाँ पे नट बोल्ट लगे हुए वहाँ चेक कर लेते हैं, इंडोर से आउटडोर तक चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं पे भी लीकेज नहीं है, और उसके बाद गैस भर के हम छोड़ देते हैं। फिर वापस कुछ दिनों के बाद में वापस वो गैस लीक होने लगती है। तो मेन एक कारण होता है कि यदि वाइब्रेशन कर रहा है एसी, तो अंदर की तरफ भी हमें देखना चाहिए कि कोई पाइप घिसने की वजह से पंचर तो नहीं हो गया, वहाँ पे लीकेज तो नहीं हो गई। और ऐसा इंडोर में नहीं होता, आउटडोर यूनिट में होता है। और ये समस्या मैं आपको स्प्लिट एसी में ही नहीं बता रहा हूँ, ये समस्या आपको विंडो एसी में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विंडो एसी भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। कई बार विंडो के अंदर वो ढीला बैठ जाता है या कहीं से लूज़ हो जाता है, तो वाइब्रेशन करने लगता है और वाइब्रेशन की वजह से जो उसके बॉडी के साथ में पाइप टच है वो धीरे धीरे घिस जाते हैं और वहाँ पे लीक होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं चौथा कारण और अंतिम कारण। यदि आप में से किसी का एसी, चाहे वो विंडो हो या स्प्लिट एसी हो, यदि आप में से किसी का एसी ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे आसपास समुद्र हो या नाली हो, देखिए नाली और समुद्र से बहुत फर्क पड़ता है आपके एसी के अंदर। उससे क्या होता है कि आपके जो कॉपर पाइप है, कॉपर पाइप पंक्चर हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। अब वो पंक्चर कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी स्केलिंग का उदाहरण दिया था, सेम उसी तरह से ही। और वो लीक जरूरी नहीं है जो इंडोर से आउटडोर को पाइप जुड़ा हुआ है उसी में हो, आपके जो आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है वो भी लीक हो सकता है और आपके इंडोर में जो कूलिंग कॉइल है वो भी लीक हो सकती है। वो इसलिए अगर आपका घर नाली के आसपास है तो वहां पे नाली में से निकलने वाली जो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो गैस कॉपर को टच होने के बाद में कॉपर को धीरे धीरे गला देती है, अंदर से खा जाती है, जिसके वजह से कॉपर का पाइप जो है वो पतला हो जाता है। अगर जॉइंट होगा कहीं पे और जॉइंट के ऊपर अगर वो गैस लग जाती है तो वो जॉइंट को जल्दी से ख़त्म करती है और उसके वजह से आपका एसी पंक्चर हो जाता है, पाइप पंक्चर हो जाता है, जिसके वजह से गैस लीक हो जाती है। तो ये दोनों ही कारण के वजह से आपके एसी में लीकेज हो सकती है अगर आपका घर किसी समुद्र के पास में या किसी नाले के पास में हो तो। अब इससे बचाव कैसे करें, देखिए इसके लिए काफ़ी सारे कोटिंग आते हैं जिसे आप कॉपर के पाइपों के ऊपर लगा के पॉलिश करवा के रख सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी ये जो स्केलिंग की प्रॉब्लम है ये भी नहीं होगी और नाली में से निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसके कॉन्टैक्ट में भी आपका कॉपर पाइप नहीं आएगा, एसी का कॉपर पाइप नहीं आएगा और वो लीक भी नहीं करेगा। लेकिन जो भी कोटिंग आप करवाते हैं वो कोटिंग ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसका एक टाइम होता है, एक समय होता है, उतने ही टाइम तक वो कोटिंग काम करती है। लेकिन समय समय पे अगर आप उसे कोटिंग करवाते रहें बार बार या हर साल, तो आपका एसी सुरक्षित रह सकता है सालों साल। तो ये थे हमारे चार मेन कारण जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है, और इन चारों कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से गैस लीक हो जाए। और ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पूरे करियर के अंदर जब से मैंने काम स्टार्ट किया तब से लेके आज तक मैंने यही प्रॉब्लम फेस की है, यही चार कारणों की वजह से गैस लीक हो जाती है स्प्लिट एसी की और विंडो एसी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि वीडियो आपको काफी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।